सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप अपने और मेरे बीच एक पर्दा डालकर देखिए। अब आप भी मुझे नहीं देख सकते, तो क्या मेरा वजूद या आपकी जिंदगी रुकी? नहीं ना। इस सफर में मेरे साथ हैं मेरे कलाकार साथी हर्ष छाया। नजीर साहब ने सफर पर भेजने से पहले मुझसे ये कहा था कि अगर आंखें खुली रखोगे तो कुछ नया देख पाओगे, क्योंकि जरूरत नजर नहीं नजरिया बदलने की है। हमारे कलकत्ता में एक ग्रुप है नंदीकार, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका इरादा वो था दृष्टिहीन इंसान जिनको समाज में समझा जाता है ये समाज का एक बोझा है, ये समाज की नज़रिए से दूर करने के लिए हमारा एक मंसूबा शुरू हुआ था, उसी के सिलसिले में हमने इसकी शुरुआत की थी। हमेशा से ये लोगों का सोचना है कि अच्छा ब्लाइंड है तो खाना नहीं बना सकते, ब्लाइंड है तो आप अपने आप चल फिर नहीं सकते, तो उन सब जितने भी प्रॉब्लम्स को लोगों को लगता है उन सब को ओवरकम करके मैंने मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट लाइफ हम लीड करते हैं दोनों ही। चेस में मैं जब टूर्नामेंट खेल के आता हूँ तो वो टूर्नामेंट का वो पूरा का पूरा गेम मैं डिक्टेट कर सकता हूँ। आज भी 2004 जो मेरा लास्ट ओलंपिक मैंने जो खेला था उसके भी कुछ गेम्स मुझे याद हैं। मैं तो ये बोलती हूँ रुओ नहीं, मजबूरियों पर है जिंदगी, बस स्वर्ग ही स्वर्ग, आँख नहीं तो क्या हुआ, समस्त विश्व मेरा घर। ये 5 लाख से शुरू किया था, अभी तो इसका सालाना टर्नओवर चिकित्सालय का 97 लाख और एंटरप्राइज का 46 लाख का हो गया। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे। छोटी उम्र में जब मैं 3 साल का था तो पानी की बूंदें जब बाथरूम में टपकती थी बकेट में तो उसमें भी मैं ताल ढूंढा करता था। म्यूजिक बोला ना, एक बहुत पागलपन था हम लोगों को बचपन से, एक जुनून था कि बाबा कुछ करना है। ऐसे नहीं कि बाबा, एक धारणा होती है लोगों की अरे विजुअली चैलेंज है ब्लाइंड है तो म्यूजिक ही करेगा, वैसे नहीं, बचपन से था कि बाबा कॉम्पिट करना है। स्विमिंग एक्चुअली मैं पिछले 13 साल से कर रही हूँ, जब मैं 10 साल की थी। उम्मीद और हौसला हम में है तो बच्चे अपनी मंजिल खुद ढूंढेंगे। जरूरत इस बात की है कि हमारी नजर इस पर ना रहे कि वो क्या नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको बढ़ावा दें जो वो कर सकते हैं, क्योंकि मंजिलों को पाने का हौसला और जिंदगी को जी भर के जीने की चाहत आंखों में नहीं दिल में होती है।